मैसेज आ रहा है, ये देख लो एक बार आप स्क्रीनशॉट भी देख लेना, इसमें नहीं दिख रहा होगा। 2166 रुपए कड़े मतलब इसमें बैलेंस बच रहा है और बाकी के पैसे कड़े गए। मैं कहूंगी नहीं, वही करूंगी, मैं अपने बच्चों के लिए रहूंगी, यहीं पे रहूंगी। मैं दूसरी औरत हुआ ना, कुछ पर मैं वो बाज जाए दूसरा ब्याह कर ले, मैं जानती कौन हूँ। मैं दादी मेरे पापा तो जाओगा, पर मैंने मना कर दिया। मेरे पापा का दिमाग ही सही है नहीं, वो कहने लग जाएगा चल उरे को नहीं रहना चल। राम राम जी सारे ने, और कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आपके घर परिवार में भी सारे जने बिल्कुल ठीक होंगे। जो मेरी बहन है अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। जैसे देर लग रहे हो आप लोग का दिल से धन्यवाद, आप लोग हमें इतना सपोर्ट करने लग रहे हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने लग रहे हो, हर रोज़ आपके नए नए कमेंट आ, एक हौसला सा मिला। और ये मैं ताकि और रखी रही मेरी मम्मी इससे तो वही बच्चे ने पानी पियाया, मेरे दादी ने बहुत प्यास लगती है, बच्चे ने मिनट मिनट में पानी पियाना पड़ा गर्मी से। इसी करके तो रोल लग रहा था, ये पानी पानी पिया था जब भी करके रोल लग रहा था पानी की वजह। और भाई गर्मी में मारा बच्चे भी मैंने देखा ना कि 4-5 दिन हो गए थोड़ा सा कमजोर भी हो रहा, चिड़चिड़ापन भी हो रहा, इसके रोंग हुआ बार बार। और कई लोग इसके सर में वो ला दो, एक बार दादी उसने गोंद के तेरा सर में लाए कर पानी, और गर्मी इतनी हो रही नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी 4-5 दिनों के, और यूँ कमजोर भी होने लग रहे, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन सो रहे इसके, पता नहीं गर्मी की वजह सो रहे उसकी वजह से, सिर में फिर ठंडा ना कावड़ी का गर्मी में बाद में काम कर। और इसके बाल नहीं दादी नहीं होगा जिसके बच्चे की तरह नरम बाल हो, इतने करड़े बाल इसके नहीं बिल्कुल, पहले इसके घुंघराले बाल थे जिसके पापा ने काट दिए थे बिल्कुल सारा गंजा कर दिया। कोई नहीं अपने आप ही हो जाएगी नरम, ये भी तो मन इसके बाल फिर उसे ही आऊं घुंघराले बाल। हां हां जरूर, तो के फिर रख से हो ले आ जाओ ना पा मां तो ले ले मैं ये सब पे जाओ, ये सब पे आ गई हुई हो रे चिड़चिड़ा पर ना जरा अपन दादू पर में चढ़ सो या भी कोई नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, यो एक रे बच्चे तो गर्मी में तंग हो ही रहो इस रे नु ये रो। मम्मी पापा पवन से तो बहुत ही आन के बारे फोन करया था, मैं बाल बनया मेरी दादी को के मम्मा हो गए, मैंने कह दिया के करोगे आप, उनका भी गेहूँ लग रही काटने और रात गेहूँ काटनी पड़े, फिर मशीन वाले ने बुलाने पड़े, फिर मशीन में कटवानी पड़ा वो गेहूँ बात। और बारिश भी आ रही थी परसों, सारी गेहूँ बीज गिरी तो धूप में से काम है हाथ तो गेहूँ काटने लग रही, इतना इतना टाइम लगा और गर्मी कितनी हो रही है, और तो ठंडा मौसम है और इतनी गर्मी हो रही है, फिर एकदम ही आवे मेरे पापा गल जल्दी जुकाम हो करा, फिर ठंडा गर्म हो जाएगा गर्म सर्द हो जाएगा, मैंने मना तो मैं इकट्ठे करने पड़ेंगे साल भर के सर में काटने के जरूरी है गर्मी मारा ना, लहसुन भी काटने प्याज भी निकालने और भी बहुत काम है, टमाटर टमाटर भी काटने पड़े थे तो कहते हैं हम तो कल ही आऊँगे, मैं मना कर दिया मैंने, जिसने सुधर ना होगा हमारी बातों तक सुधर जाएगा, वही बुआ रान लग रही फिर के फायदा होने लग रहा, वही अपना टाइम बार वेट करने लग रहे साथ, मैंने तो कह दिया उनको कोई जरूरत नहीं है आने की, इतने दूर से आएंगे बेचारे से लाचा लंबा सफर पर है वो तो बिल्कुल, मेरे पापा तो कहते ना मैं आऊँगा आऊँगा, मम्मी भी तो थी मैं पापा रहने दो कि ऊपर चाहो फिर थोड़ी सी गर्मी कम हो जाएगी फिर आ जाओ, पापा तो जाओगा पर मैं नहीं मना कर दिया, मेरे पापा का दिमाग ही सही है नहीं, वो कहने लग जाएगा चल उरे को नहीं रहना चल चल जा तेरी, मैं अपने पापा ने भाई बुला दी, मेरे पापा तो एक मिनट में आ जाएंगे नहीं, मैं आऊँगा मैं ही रोक रही हूँ ना, ठीक है फिर कोई बात नहीं ना, वो तो उन्होंने दिमाग किया था नहीं, कहने लग जाएगा इतने दुख जेल लग रहे कि क्यों रहना हो रहा चल उधर, अरे फोन में तो है चल चल को नहीं रहना हो रहा को नहीं रहना, अगर मैं करता हूँ मैं कर मनी सी मैं देखी सुना था ये भी दुख है क्या पता खुशी आ जाए, किस्मत का कोई पता नहीं इस तरह भी ज्यादा दुख आ जाए ना खुशी हो आ रही है तो होना ही है भाई, पर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा बस यही उम्मीद है। और मैं दादी और मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो बस एक के बाद ठान रखी, मैं तो अपने बच्चे पालने अपनी सारी रखे कर रहे हैं, कोई नहीं नो हिम्मत नहीं है करे नौ के ले का बगजे करो करेगा अपने आप ही नौ ओन दे रहो बस दा थोड़ा बहुत आ नौ बाल को कर लो अपने हाल में लगी रहो जो ही वो ना वो तो जितनी दारी दाती आदत आती इसमें सुहाऊंगे मैं वही इसने सुहाऊं आता आती तो पेड़ है फिर जल्दी सोच तो भाई चोल साफ करने लग रही हूँ, मेरे पति मेरी दादी तो बोले दादी आज मैं खिचड़ी खाऊंगा मैं रोटी तक लाई आवा, तो ये मैंने 20 रुपये की दाल मंगाई थी मूंग की दाल, ये चोल साफ करने लग रही थोड़े से, बच्चे भी खा लेंगे मेरी दादी भी खा लेंगे और मेरे पति भी खा लेंगे जब उनका मन कर रहा है कुछ खाने का, मैं तो नहीं सोचूँ कुछ करो तो उनका मन खाने का मन, मैं तो सारी चीज़ बना दूँगी, और चोल थोड़े से वो पड़े था मैं कर लूँ सा वो साफ कर लूँ, मैं इतना तो निकल गया नहीं, अभी मंगाई मैंने अपने देवर 20 रुपये की दाल।
गया था फिर मैं बना दूंगी, बस तो मैंने गया की सब्जी बनाई थी, बिल्कुल खिचड़ी बना दूंगी। प्रिया हाँ की खिचड़ी अटकाया और यार बस बड़े नहीं लग रही दादी दी आवेगी, मैं तो पत्ती करना लग रही मैं जोत ला दी तेनाली जोत कर थोड़ा मंदी सी कर दे गैस आप हो जाएगी थोड़ी सी मतलब हो जाएगी नहीं कोई बात नहीं आप ले जो मैं खुद जाऊंगी। और दो चम्मच खाकर खिचड़ी में इतने ड्रामे करे, गुन्नू ने भी इतने प्यार से खाई और उन्हें कहने लग गया नहीं इसमें तो नमक ज्यादा, मैंने को नहीं खानी और सारी खिचड़ी ने क्यों छोड़ दी, मतलब मैं कुछ भी चीज़ बनाऊँ नहीं, इतने ड्रामे करे मेरा तो ना कुछ बनाने जी करता ना मेरा देना जी करता, पर ये तो मजबूरी है मेरी क्योंकि भाई मैं साथ को नहीं छोड़ सकती नहीं बीच रास्ते में नहीं मतलब, पर कोई बात नहीं हम धीरे धीरे समझान लग रहे सारे, भगवान जल्दी से अक्कल आ जाए। मैंने तेरा प्यार खिचड़ी बनाई थी, पहले तो मैंने सब्जी बनाई फिर उसके बाद खिचड़ी बनाई, गर्मी में मरी मैं रसोई में फिर भी बंदा नहीं खुआ कि मैंने को नहीं खानी, इसमें तो नून ज़्यादा इसमें तो बहुत ज़्यादा, मन को नहीं लग गया नून कम ज़्यादा, मन तो बिल्कुल सही लगे पर उसके तो पता नहीं केक बट रहा केक पा रखा इस तरह से कुछ भी खाने पीने में इतने ड्रामे करे, कुछ चाहे नून के लिए रोटी दे जाते वो तो भी चुपचाप खाया जा रहा है, कितने ड्रामे में कितनी परेशान हो रही हूँ मेरा मतलब कुछ मारू मेरे दिल में कैसा फील हो रहा है इस टाइम में, अगर बैठे रहा तो मेरी दादी पर रहने जा रही है बच्चे ने लेके मेरे चाचे मेरी मम्मी मेरी भाई पूरा गिरन गई थी। पूजा कर लिया शाम की और मेरी मम्मी तैयारी करने लग रही है घी मंगाया, मेरी मम्मी ने जोत का घी खत्म हो रहा था वो तो मेरा सच्ची बताओ नहीं मन उतर रहा कुछ भी करने जी कर करता, पर मेरी दादी को सब पे विश्वास रख सब ठीक हो जाएगा, एक आप लोग है सारा देने वाले एक मेरे भगवान जी है थोड़ा सा विश्वास है, पर जो हमारे गिल्लो लग रही है ना उस करके तो बिल्कुल मन को नहीं करता। मैंने तो विश्वास है भाई पूरा विश्वास है मेरा खाटू श्याम बाबा पर, इसने इतना राह दिखाया राघा भी दिखाएगा, मैंने तो जमा इतना ज़्यादा विश्वास है कई करानी आ रे का सारा बाबा परीक्षा तो ले रही है सबकी हर होकर मारी भी ले रहे हमारा भी वो करेगा दुख दूर करेगा बाबा, हिम्मत नहीं आनी चाहिए हिम्मत आ गए जे रो कर फिर सब कुछ हो जाए बाबा ही करेगा हमारी। बाबा राजस्थान में भी जाऊंगी बाबा तेरे घर पास घर का माथा टेक आऊंगी बस तो ही करिए बाबा पूरी मेरे बाबा श्याम मेरे बाबा श्याम हरे के सारे की जगह बाबा उसके सारे को भी तो भाई हमने पूजा कर लिया भगवान जी की, थोड़ी उम्मीद है कि मेरे पति ठीक हो जाएंगे जो उनके मन में है कुछ ऐसा, ये तो भगवान जी में भोग लगाए इसका प्रसाद भी खिलाओ चुपके या चाय में गिर दे थोड़ा सा भगवान से बस उम्मीद है, और आप लोग हमें भी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहिए अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए, जब आप लोगों का एक कमेंट हम पढ़ते ना एक दिल मतलब चैन सा आता है मन में थोड़ा सा, सारे जने कमेंट करिए लाइक करियो और मन तो आप भी सो जैसा हमारा परिवार है आप सब भी हमारे परिवार हो इतने अच्छे साथ देने लग रहे हमारे राघव देते रही हो भाई काम करके आए हैं सारा काम कर लिया ये भी फ्री हुई ना दो के गर्मी इतनी हो रही थी कि केवताओं भी दादी बोली ना ले आज तो फिर सुबह से सर में भी दर्द होने लग रहा था क्योंकि गर्मी हो रही है, तो मैंने आज गर्मी में कपड़े सुखाए उतारे ऊपर चढ़ी नीचे आई तो धूप इतनी हो रही थी
तो जब भी मैं धूप में जाऊँगी मेरे सर में जरूर दर्द हो रहा है, तो आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे बेटे का भी बहुत ज़्यादा बुखार हो गया, ये भी सुहाया दवाई दे के बड़ो बड़ो का गोली थी दवाई बुखार की तो घोल कर वो पियाई, और आज तो मेरे भी तल्ले में भी इतनी आग लग रही, आज मैं इतनी परेशान हूँ कि मैं के बताऊँ के ना बताऊँ आप लोगों से, पर आप लोगों से भी हर एक बात बतानी जरूरी है, आप ही हमारा परिवार हो, जब हम आपसे सारी बातें बता लग रहे हैं तो यह बात भी जरूरी बतानी है आप लोगों से, पर मतलब इतनी टेंशन भी हो रही है कि हम क्या करेंगे, एक बार मतलब ऐसा जी करे मैं उसका तो जाकर नहीं जड़ा वो पड़िया नहीं कमरे में उसका शरीर फोड़ दूँ मैं, पति पति भी मतलब दूसरों के भी होंगे पति, पर ऐसा पति तो मैंने कहीं नहीं देखा जिस हिसाब से और आई, मतलब मेरे को सारा कुछ छीन लिया, आप लोगों से एक बात बताऊँ मेरे जो ससुर दादी जले हुआ बड़ी शांति करे कर जिसा काम उसने कर रखा तो मेरे बतेरी उठ रही है ठीक ठाक थे, तो उन्होंने ना मेरे पति का इंश्योरेंस कराया था, बीमा कराया था 1,00,000 का, मतलब बीमा कराया था तो 17 साल का वो बीमा था, तो अभी मतलब जनवरी में वो बिल्कुल पूरा हो गया कम्प्लीट हो गया, तो हमें 1,00,000 रुपए मिले थे, तो उसका जो सब कुछ सिस्टम है मेरे पति के ही फ़ोन में है, गूगल पे वगैरह वही चलाते हैं, पर जो यू नंबर है नहीं वो मेरे ससुर जी का नंबर था, उन्होंने अपना नंबर दे रखा था उस टाइम, और वो नंबर हम अभी भी चालू रख रहे हैं क्योंकि भाई इस नंबर पे फ़ोन वगैरह हुआ मरीजों के, तो ये जो नंबर है ये मेरे पास है, इस नंबर को मैं चलाती हूँ क्योंकि मैंने दूसरे नंबर का क्या करना था, ये नंबर चला भी रहा मेरे पास ही था, तो मतलब 1,00,000 रुपए हमारा इंश्योरेंस आया था, मेरे पति का बीमा पूरा था, 1,30,000 तो हमने खर्च कर दिए थे और 70,000 रुपए बच रहे थे, ये 1.5 महीना मेरा पति उड़े रहा जिस भी गिल्लो रहे मैं उसने गंदा नहीं कहना चाहूँ क्योंकि वो भी मेरी तरह एक लेडी है, क्योंकि किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, तो भाई मतलब हमारे जो है हर महीने गड्ढे की किस्त कट है 8,000 रुपए, तो आप लोगों को दिखा दूँ इतना मेरा कोई मन है इस चीज़ों के बारे में, क्योंकि भाई ना मैं गूगल पे चलाऊंगी, मेरे पति चलाओ सारा कुछ काम वही कर, तू नहीं के फोन में सब कुछ मेरा एटीएम है, मैंने तो अपने एटीएम का पिन भी नहीं आया, सब कुछ उनका सिस्टम वही जाना है क्योंकि मैंने कोई मतलब नहीं है, मैंने तो भाई रोटी बनानी खाना बनाना सब मैं ये ज्यादा इन बातों में ध्यान को नहीं देती, अपने बच्चे संभालू तो सारा काम आज पता क्या हुआ, मतलब हमारे आज है 16 तारीख है आज, तो आज हमारे मतलब कभी हमारे 16 तारीख ने हमारी मतलब 15 तारीख ने गाड़ी की किस्त कट जाए, तो आज भी न्यू ही मेरे फोन में मैसेज आया कि हमारे गाड़ी की किस्त कट ली, तो मैंने देखा आप लोगों को तभी एक बार दिखा दूं मैं, ये मैसेज आ रहा है ये देख लो एक बार आप स्क्रीनशॉट भी देख लेना, इसमें नहीं दिख रहा होगा, इसमें से 8,000 गाड़ी की किस्त कटे है और 2,166 रुपए इसमें बैलेंस बच रहा, 70,000 में तय आप खुद सोचो ना मैंने कुछ खर्च किया, वो पैसे हमने अपने मतलब न्यू रखे थे, भाई मेरी बुआ का बात है, मेरी बुआ के छोरे और छोरी का ब्याह है, तो मैंने अपने बात की तैयारी करनी है, हाँ तो मतलब खुद सोचो भाई आप लोग, ना मैंने क्या ही मैं खर्च को नहीं करे, 1 रुपए हम बिल्कुल रखे करे थे मैं और मेरे पति, कभी मेरा पत्नी को नहीं पीस होगा, मैंने टोपने को नहीं खर्च के लिए हम यूज करे करते, तो मतलब 2,166 रुपए कड़े मतलब इसमें बैलेंस बच रहा है और बाकी के पैसे कड़े गए, मेरे तो ये टेंशन हो रही, मतलब 1,00,000 रुपए में 30,000 मैंने खर्च कर दिए थे और आज 8,000 किस्त कटी है, तो वो है नहीं मन तो ऐसा लग गया उसने पैसे खाकर जो बबीता ठाकुर है ना यदि वो घर आ रहा है, मैंने हाँ, 1.5 महीने तक तो उसने ना मरते फोन करे ना मरते कुछ करे, जब वो पैसे खत्म खुतम खा पी लिए नहीं जदि वो घर आ रहा है, और मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा नहीं, मैं इतनी परेशान हो रही नहीं, मतलब मेरे न्यू हो रही मैं के करूँ के नहीं, उसका जाकर सर दीवार का काम के ला दूं मैं उसका सर, आप लोग भी खुद बताओ आप लोग न्यू को नहीं क्यों बबीता ठाकुर इतनी अच्छी उसके बारे में क्यों गलत बोल रहे हो, और मेरा पति इतना बेकार हो रहा नहीं, इतना अच्छा इंसान था इतना गिरा हुआ इंसान हो रहा नहीं, मेरा तो इतने मेरा ब्याह ना था बस एक घड़ी मैं आपको इतना छतनाड़ी हो रही हूँ मारे, हाँ बहुत मैं भी इतनी खुशी मतलब खुशी फैमिली थी हमारे साथ, मेरी बुआ की आगे ब्याह करेंगे हमारे मतलब चलो भाई पैसे कट्टे मतलब है हमारे पे पैसे खर्चा करना, आपको तो पता ही आके रीति रिवाज कैसे क्या कुछ लेना पड़ता है, तो मतलब अपने हिसाब से मान्य भी करना था भाई, मेरी दादी भी कुछ जोड़ संगोड़ रही है, और मैंने भी सोचा था मम्मी भी लगता कपड़ा ले आऊंगी कुछ टूम टाम भी बनानी पड़ा, पर मेरे पति ने तो सारी पे आग ला रखी हमारे घर में, कर दो दाया यूं को नहीं आता खागियों की सारे पैसे
पागल नहीं हुई करा, एक बिल्कुल बुद्ध एक बुद्ध करा बात, मेरा दिमाग है सर मेरे टेंशन ले किसकी लू मैं टेंशन मेरी शादी करी मैंने लव मैरिज करी वाह मेरे को कितना अच्छा वो मिल रहा फल मिला मतलब मैंने अपने माँ बाप का दिल भी दुखाया सही कहा मतलब कि यह बात आज मैंने भी आ रही है समझ कि मतलब लव मैरिज करके किसी का फल नहीं मुझे अपने माँ बाप ने दुख देवा नहीं उन्हें भी दुख मिले ही है तो मेरे भी मिलन लग रही और मैं आज अपने देखने लग रही हूँ पर भगवान ने मेरे दो बच्चे छोटे छोटे मैं मतलब उनके लिए सब कुछ करूँगी अपने बच्चों के लिए मैं उन्हें दुखी नहीं करूँगी जो वो कहेंगे नहीं वही करूँगी मैं अपने बच्चों के लिए रहूँगी यहीं पर रहूँगी मैं दूसरी औरत हुआ ना मैं कुछ मैं वो बाज जाऊँ दूसरा ब्याह कर लें मैं जानती कौन हूँ मैं बिल्कुल उड़ी रहूँगी जब तक सब कुछ ठीक करके रहूँगी मतलब एक स्ट्रॉन्ग लेडी बनना बहुत मुश्किल हो इस घड़ी मैं करके दिखाऊंगी और भाई आप लोग भी प्लीज सपोर्ट करना प्यार करना आप लोगों का प्यार भी बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने भी अपने बच्चे पालने हैं छोटे छोटे दो बच्चे हैं मेरे पति का तो कोई भरोसा नहीं है कद के कुछ कर दे ऐसे से गिरे हुए इंसान हो कहीं कहीं तो भाई प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना राम राम मेरी सभी बहनों को आपके बच्चे हमेशा खुश रहे और आप लोग भी खुश रहे।